देखिए, आप लोगों का प्यार इतना है, आशीर्वाद इतने हैं कि इतना बड़ा ये मैदान भी छोटा पड़ गया। अब ये मैदान छोटा पड़ गया, जहां है वहीं खड़े रहिए, मत कीजिए। तो मेरी बात मानेंगे आप लोग? पक्का मानेंगे? भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। सकल कुछ बिहार वासी देर अमार सादर प्रणाम। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व भी आज मैं कुछ बिहार में ही था और इसी मैदान में था, और उस समय यहां बीच में एक बड़ा मंच लगा दिया था टीएमसी वालों ने, ताकि मोदी की सभा छोटी हो, लोगों को आने नहीं दिया था। और उस इसी मंच कि ये जो मंच बना है के पतन का स्मारक है। कहा था कि नहीं कहा था, याद है आप लोगों को? आप लोगों को याद है? आज मंच कहीं नजर आ रहा है? टीएमसी कहीं नजर आ रही है? ये आपकी ताकत, ये आपका प्यार और ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, बाणेश्वर शिव मंदिर, कामतेश्वरी मंदिर, ऐसे अनेक स्थानों की इस धरती पर आकर हर किसी के मन को बहुत शांति मिलती है, शांता मिलता है। महाराजा वीर चिल्ला रॉय के शौर्य, ठाकुर मदन मोहन जी और ठाकुर पंचानन वर्मा जैसे महान सपूतों के योगदान से ये भूमि समृद्ध हुई है। आज तो इस अवसर पर कुछ बिहार आया हूं, बीजेपी बीजेपी को विचार दिए हैं, बीजेपी को संस्कार दिए हैं, बीजेपी को प्रेरणा दी है, बीजेपी को निरंतर ऊर्जा दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने हमारे लिए राजनीतिक रास्ता तय किया, जिन्होंने हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को आदर्शों को लेकर राजनीति में जीने का, जनता के लिए जूझने का और शरीर का कण कण, समय का पल पल जनता की सेवा में लगाए रखने की हमें प्रेरणा दी। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। इसी बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, भारत का यश, भारत की आध्यात्मिक महानता,
भारत का सत्य और आत्म के विचार भारत में पनपी मानवता की सेवा की भावना और भारत के जन जन का सर्वोच्च शक्ति की विराटता में विश्वास से आगे बढ़ने का चार बहुत महत्वपूर्ण बातें जो देश को आगे ले जाएगी। आज इसी प्रेरणा से देश की कोटि कोटि जनता देश का यश बढ़ा रही है, देश को आत्मनिर्भर बना रही है। देश के इस संकल्प की सिद्धि में भाजपा भी दिन रात जुटी हुई है, एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे आने में देरी हुई। देरी इसलिए नहीं हुई कि मेरा हेलीकॉप्टर लेट हुआ था। हेलीकॉप्टर से यहां आने तक रास्ते के दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल था। ह्यूमन वॉल, जितने लोग यहां है उससे ज्यादा लोग पूरे रास्ते भर, उसमें भी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद दे रही थी। भाइयों बहनों, आज 2 मई को जब ये चुनाव के नतीजे आएंगे, 2 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी विकास का, प्रगति का अभियान और तेज किया जाएगा। बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। पिछले 2 चरणों में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, लंबी लंबी लाइनें लगाकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। आज भी बहुत अच्छी वोटिंग की खबरें आ रही है। बंगाल में बीजेपी की ऐसी लहर चल रही है, ऐसी लहर चल रही है जिसने दीदी के गुंडों, दीदी के भय को किनारे लगा दिया है। साथियों, मैंने सुना कि दीदी इन दिनों एक सवाल पूछ रही है। आपने भी सुना होगा, दीदी एक सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी भगवान है, जो उसे पता चल गया है कि पहले 2 चरणों में बीजेपी की बड़ी जीत मिल रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान है और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। दोस्तों, आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है।
ये जो आप प्यार दे रहे हैं ना, आप जो प्यार दे रहे हैं, 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मैं ये प्यार ब्याज समेत इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। ये आपका प्यार कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। भारत माता की। देखिए दीदी पूछ रही है, हम भगवान है क्या, हमें विजय का कैसे पता चल गया? लेकिन दीदी, ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो जनता जनार्दन है ना, वो ही भगवान का रूप होती है। अरे जनता जनार्दन का चेहरा देख करके पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। यही तो ईश्वर का अवतार है। और दूसरा दीदी, आदरणीय दीदी, दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है? एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। रोज आप सुनिए, रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही है, नंदीग्राम जीत रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी जिस दिन आपने चुनाव के दिन पोलिंग चल रहा था, नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में जो खेला किया, जो बातें कही, उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। इसके लिए भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। जब आपकी पार्टी ये घोषणा कर देती है कि दीदी अब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा, ये आपकी पार्टी बोल रही है। क्या ये सुनने के बाद भगवान को तकलीफ देने की जरूरत है क्या? भगवान को पूछने की जरूरत है क्या? आपको भी समझ आता है कि नहीं आता है? आपको भी पता चलता है कि नहीं चलता है दीदी हार रही है? आप बताइए, आपको लगता है कि नहीं लगता है? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। दीदी
आप ये कह रही है इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है, मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं, आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता, प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के ऑडिटोरियल लिख करके हमारे बवाल नोच लिए होते। दीदी मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दीदी बोल रही है। दीदी इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। दीदी जिस चुनाव आयोग ने दो बार चुनाव करा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई, ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस ईवीएम ने वाम के शासन को उखाड़ फेंकने में आपकी मदद की, बंगाल के नागरिकों की इच्छा का आदर ईवीएम मशीन खुद करता है, एक एक नागरिक की इच्छा ईवीएम में कैद होती है, आज आपको उस ईवीएम से भी समस्या होने लग गई। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस केंद्रीय वाहिनी की मांग आप खुद करती थी, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए, दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो, ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। दीदी आप एक राज्य की सीएम है, दो फेज का चुनाव हो चुका है, बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ, करीब करीब 80% से ज्यादा वोट पड़े,
मैं भी गुजरात में मुख्यमंत्री था, इतना अगर वोटिंग होता है, शांतिपूर्ण होता है, तो सीएम के नाते मैं गर्व से कहता हूं कि देखिए मेरे राज्य में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, मेरे राज्य में इतना ज्यादा मतदान हुआ, मैं गर्व करता था। दीदी यहां शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, 80% से लोग ज्यादा मतदान करने जा रहे और आप परेशान हो, आप गर्व नहीं कर रहे हो, यही बताता है दीदी कि आप चुनाव हार रही हो। साथियों, बीजेपी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दिखता है साहब, बहन बेटियां आ रही हैं, लेकिन दीदी कहती है कि ये जो लोग आए हैं ना, वो पैसे लेकर यहां आते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हैं क्या? जोर से बोलिए, पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे मिलने वाले हैं इसलिए आए हैं क्या? ये दीदी आप पर झूठा आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? ये दीदी आपको बदनाम कर रही है कि नहीं कर रही है? दीदी ने आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? तो दीदी को सजा दोगे कि नहीं दोगे? सजा दोगे कि नहीं दोगे? इस चुनाव में जबरदस्त सजा दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा के सजा दोगे कि नहीं दोगे? भाइयों बहनों, बंगाल की ईमानदार जनता पर दीदी का यह संगीन आरोप इस बात की गवाही है कि आप चुनाव हार चुकी है। दीदी को तिलक लगाने वालों से दिक्कत है, भगवा वस्त्र धारण करने वालों से समस्या है। ये दिखाता है दीदी जमीन खिसक चुकी है, आपका हारना तय है। दीदी 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 लोग कहते हैं कि आप फुटबॉल बहुत खेलती है। दीदी हमने सुना है फुटबॉल में एक होता है ओन गोल, आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है, आपने खुद ही अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है। भाइयों बहनों, टीचरों की भर्ती हो या फिर लोगों के काम, आपने सिर्फ तुष्टीकरण किया। बंगाल के सामान्य लोगों को, बंगाल के नौजवानों, यहां के किसानों को आपने अपने हाल पर छोड़ दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।